एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो इसमें क्या है हमारे पास, s माइनस टी इक्वल टू 3 एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। हमें यहाँ पे s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हमारे में सब्सिट्यूशन मेथड द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम जिसे पहला क्वेश्चन किया उसी तरह हम इसे लिख देते हैं, इसे वन इक्वेशन और जो इसे है इसे हम सेकंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो हम यहाँ पे हम इनकी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास 6। तो हम आ जो एलसीएम है 6, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2s आ जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। तो हम अब हमारे पास तो यहाँ पे हम हमारे पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 5s 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 होता है हमारे पास 36। तो ये हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, सब्सिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सब्सिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। सब्सिट्यूशन मेथड में हमने दोनों में से एक इक्वेशन ले लेनी है। तो पहली हम जो हमारे पास इक्वेशन है उसको ले लेते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3। एस को यहीं रखते हैं और t को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो क्या आएगा, 3 प्लस टी। ये हमारे पास ये जो s इक्वल टू 3 प्लस टी है वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारे पास जो s इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया है, उसे हम उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट x s इन सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में हमने पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन। तो हम इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो हम यहाँ पे 2s की जगह अब हमें 3 प्लस t लिखना है, प्लस 3t इक्वल टू 36। अब हमें ये जो 2 है वो 3 प्लस t को मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आएगा, फिर t को मल्टीप्लाई करेगा तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब हमारे पास यहाँ पे 6 प्लस 2t प्लस 3t होता है हमारे पास 5t इक्वल टू 36। 5t अब हमारे पास 6 दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव का 6 हो जाएगा, 36 माइनस 6 होता है हमारे पास 30, तो 5t इक्वल टू 30, टी इक्वल टू 30/5, तो हमारे पास 30/5 होता है 6। तो t की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 6। अब जो हमारे पास t की वैल्यू 6 आई है उस वैल्यू को हमने पुट करना है थर्ड इक्वेशन में। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट t इक्वल टू 6 इन थर्ड इक्वेशन। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन हमने निकाली थी जो की इक्वेशन है s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो हम लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस टी, टी की जगह अब हमें 6 लिखना है, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल टू 3 प्लस 6 होता है 9। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टी की वैल्यू 6 और एस की वैल्यू 9 आ गई हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को भी इजी तरीके से सॉल्व कर दिया है।